नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और मानसरोवर में सड़क धसी है। इसके साथ ही ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। सीवरेज की लाइन में सुराख होने से धसती रही मिट्टी और आज बारिश के बाद पानी का प्रेशर ज्यादा होने के चलते सड़क धस गई है। अंडरग्राउंड केबल डालने के दौरान ये सीवरेज में सुराख हुआ और इसके बाद मानसरोवर से 900 mm की सीवरेज लाइन यहां पर हल्दावास जा रही थी और उसके बाद मानसरोवर के वार्ड नंबर 84 में सड़क पर ये बड़ा गड्ढा हो गया है। तस्वीरें आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिप्रापत इलाके के गुरुद्वारका दास पार्क के पास ये सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। निगम के अधिकारी सहित पार्षद अभय पुरोहित मौके पर हैं और इस सड़क पर हुए गड्ढे की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी 100 मीटर की दूरी पर इसी तरीके से सड़क धसी थी। कुछ इस तरीके की तस्वीर उस टाइम भी देखने को मिली थी, उस वक्त भी जब सड़क पर अचानक गड्ढा हुआ और एक ऑटो युवती के साथ उस गड्ढे में गिर गई थी और उसके बाद एक बार फिर मानसरोवर में इस तरीके से ये जो सड़क है वो धसी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मानसरोवर के वार्ड नंबर 84 की ये तस्वीर है जहां पर सड़क धसी और उसके बाद यहां पर बड़ा गड्ढा हुआ है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हैं वहां से लाइव। अनूप, एक बार फिर से इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है, ये बड़ी लापरवाही है क्योंकि इससे पहले भी पिछले साल भी इस तरीके की घटना हुई थी जब ऑटो के साथ एक ऑटो इस गड्ढे में गिर गया था, एक बड़ा गड्ढा हो गया था और एक बार फिर से अब ये सड़क दही है। जी हाँ बिल्कुल, ये मानसरोवर के अंदर ये घटना है। पिछली बार भी इस तरीके का हादसा हुआ था, आज फिर यहाँ पर हादसा देखने को मिल रहा है और इसी के कुछ घंटे पहले सहकार मार्ग पर भी एक हादसा देखने को मिला था नगर निगम का। यह जो हादसा है ये बिल्कुल सीवर लाइन है, वो लीकेज हो गई थी, उसके कारण से जमीन के अंदर पानी रिसता रहा, लेकिन आज जब तेज बारिश हुई तो उसके बाद के अंदर ये सड़क पूरी की पूरी यहाँ पर धस गई, जिसको लेकर के यहाँ पर अधिकारी आ चुके हैं और जो जेसीबी मशीन है वह भी आ चुकी है और प्रशासन ने यहाँ पर जो राहत कार्य है वो शुरू कर दिया है। ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है जी। और हमारे साथ जो एक्शन है वो भी यहाँ पर जुड़ेगा, आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का यहाँ सर ये किस तरीके का यहाँ पर हादसा घटित हुआ। जी एक्चुअली क्या है कि हमारी सीवर लाइन 900 mm डायर की जो है ना मेन सीवर लाइन है जो यहाँ की गुजर रही है, तो अपना जो चैम्बर था, चैम्बर तो पुरानी लाइन है ही, उसमें कोई ये जो जियो की एयरटेल की इस तरीके की केबलिंग वाला जो आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से वो उसमें चैम्बर में होकर गई और वहाँ से जो है ना पानी बाहर निकल गई, केबटी फॉर्म हो के ऊपर से जो मटेरियल है वो पाइप पे पड़ा, वो पाइपलाइन टूट गई। यहाँ देख रही जैसे कि आपने सुना था कि निजी जो मोबाइल कंपनियाँ हैं उनका जो केबल थी वो यहाँ पर डाली गई थी, उसके कारण से कहीं ये जो सीवरेज लाइन थी उसके अंदर छेद होने की वजह से पानी धीरे धीरे रिसता रहा और आज जब तेज बारिश हुई तो उसके बाद के अंदर ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। अनूप, मौके पर कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर मौजूद है और अब क्या कुछ वहाँ पर बचाव कार्य किए जा रहे हैं, राहत कार्य किए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए मौके के ऊपर जो नगर निगम के जो एक्शन है वो यहाँ पर मौके पर डटे हुए हैं, पूरी टीम के साथ डटे हुए हैं और जो जितना भी बचाव कार्य चल रहा है वो सब कर रहे हैं और जो क्षेत्रीय के जो पार्षद है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस मतलब की घटना को बड़ी घटना बतला रहे हैं। हाँ जी, किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? जी, ये इस पूरी जो ये खड्डा हुआ है इसके लिए जयपुर के अंदर जो जमीन के नीचे सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के इसका डिजिटल केबल बिछाने का जो खेल चल रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे भी आज ये हुआ है, 900 mm की लाइन थी, इसके अंदर एक कंपनी की जो लाइन थी वो लाइन जब डाली गई तो वो इसको पंचर करते हुए निकल गई और उसमें मिट्टी का रिसाव हुआ और मिट्टी का रिसाव होते होते ये चल गया। स्थानीय जनता की सूचना पर ये बिल्कुल समय पर इसका संज्ञान हो गया, जिसकी सूचना यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों को देखिए बैरिकेटिंग करवाई और संबंधित जेएन साहब और एक्सिन साहब हैं उनको बताया तो उन्होंने आके अब अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार, जो अनियंत्रित रूप से जमीन के अंदर केबल टीवी की और इंटरनेट की जो वो केबलें डाली जा रही है मैं उसको जिम्मेदार मानता हूँ। यहाँ देखा जी, जैसे कि आपने सुना था कि जो निजी टेलीफोन कंपनियाँ हैं उनकी जो अंडरग्राउंड
लाइन डाली जाती है उसको पूर्ण तरीके से जिम्मेदार माना जा रहा है, उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा मानसरोवर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन ये जो गड्ढा है वो पूरी तरीके से खोखला भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब पाइपलाइन डरी तो उसके बाद जो सड़क निर्माण हुआ उसकी गुणवत्ता पर भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जिसकी वजह से सड़क जो है वो इतनी जल्दी ढह गई। नहीं, सड़क तो जल्दी ढह गई ये तो सही बात है, लेकिन जो जो टेक्निकल रूप से जो एक्शन जो यहाँ पर बतला रहे हैं वो पूरा का पूरा जो ठीक रहा है ये रोड कट का, वो पूरा का पूरा जो निजी मोबाइल कंपनियां उनके ऊपर थोप रहे हैं कि उन्हीं के कारण इस तरीके का हादसा यहाँ पर घटित हुआ। जी अनूप, मैं चाहूंगी वहां पे कुछ लोग भी मौजूद हैं आपके साथ, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या जिस वक्त ये पूरी घटना घटी उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद थे, कैसे ये क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जो स्थानीय निवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर घटना देखने को मिली। हाँ सर, ये इतना बड़ी जो घटना हुई है किस तरीके से घटना हुई? ये घटना जो केबल वाले हैं जो चैम्बरों में जो अंडरग्राउंड लाइनें डालते हैं ये देखते नहीं है, इनका काम होता है बस इनको जैसे ही परमिशन मिली ये अपने हिसाब से लाइनें डालना चालू कर देते हैं, कहीं भी इनको ये नहीं देखते कि सीवरेज के चैम्बर हैं या पानी की लाइनें आ रही हैं। पर जब बारिश आती है जब फिर प्रेशर होता है हल्का सा भी चैम्बर में छेद हो जाता है तो अपनी जगह बना के वो सुराख बना लेता है और ये जमीन वैसे डैमेज हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा जब भी ये लाइनें डगले तकनीकी आदमी जाइए ना, कोई भी इनको रिपोर्टिंग देखे ये कहाँ क्या लाइनें डाल रहे हैं, कहाँ नहीं डाल रहे हैं, कहाँ इनको लाइनें डाल, इनकी भी जगह चिन्हित होनी चाहिए किस तरफ इनकी, जब सीवरेज और पानी की लाइनें उस तरफ है उस तरफ कम से कम इनको लाइनें नहीं डालनी चाहिए, कि उन लाइनों को डालने से कभी भी ये बड़े हादसे हो सकते हैं और ये जितना बड़ा खड्डा है इसमें तो कार भी घुस जाए तो आपको पता नहीं चले। यहाँ देखा जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो निजी मोबाइल कंपनियां हैं उनकी वजह से ही इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो शहर के अंदर देखने को मिलते हैं। जी चलिए अनूप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।